उन्होंने एक आइडिया साइन किया हुआ है, तो यूनिप्रोट में जितने भी प्रोटियोम, जितने भी ऑर्गेनिज्म के प्रोटियोम, बैक्टीरिया, आर्किया, वायरस, जिसका भी प्रोटियोम पड़ा होगा उसके जो आईडी हैं वो UP से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। फर्दर जो भी उनका नंबर वगैरह हर एक को अलग अलग साइन होगा, और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का आईडी होता है, हर ऑर्गेनिज्म का आईडी होता है ना, जैसे NCBI में होता है। और यहाँ पर टोटल बताए हुए हैं कितने प्रोटीन काउंट है। अब प्रोटियोम क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ प्रोटीन होता है ना, तो इन्होंने बताया कि कॉलोबैक्टर में कितनी टोटल प्रोटीन है, 3720। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक प्लेटफॉर्म पे ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपको ना ये बता रहा है कि आपके पास ये स्टैंडर्ड डेटा जो है ये अवेलेबल है, यहाँ पर प्रोटीन का सेट अवेलेबल है, और आउटलायर प्रेजेंट है, यहाँ पर ना एक और भी, हाँ ये वाली कैटेगरी होती है क्लोज टू स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना आपने मोस्टली, हम लोगों ने प्रेफरेंस देते हैं कि स्टैंडर्ड को हम मोस्टली प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। आउटलायर में ये हो जाता है कि आउटलायर में ना कुछ, आउटलायर का मतलब शायद आप लोगों को पता भी हो, जब आप लोग आजकल स्टैट पढ़ रहे हैं ना, वैसे भी तो इसमें क्या होता है आउटलायर में कि हमारे पास ना डेटा, सपोज आपके पास ना 10 डेटा पॉइंट्स हैं, जब आप उनको, जैसे आप उनका कोई ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हो ना उनको, तो क्या होता है कि जब वहाँ पर एक लाइन होती है ना, लाइक के उसकी कुछ जो होते हैं डेटा पॉइंट्स, वो अपने रेफरेंस के क्लोज क्लोज होते हैं ना, कुछ जो होते हैं ना बिल्कुल ही डिफरेंट पोजीशन पर जाकर ना डिस्टेंस वगैरह शो कर रहे होते हैं ना। तो इस तरह के डेटा पॉइंट्स जो कि बिल्कुल ही अब नॉर्मल सा डिस्टेंस शो कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटलायर्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेटा भी प्रेजेंट है, लेकिन कुछ आउटलायर भी इस तरह के प्रेजेंट है, और कुछ जो है फुली स्टैंडर्ड डेटा प्रेजेंट है, और कुछ ऑलमोस्ट टू स्टैंडर्ड, जैसे मैं आप लोगों को ये शो कर रही थी ना, क्लोज टू स्टैंडर्ड। ओके, तो उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है जिनोम रिप्रेजेंटेशन, के जिनोम जो है हमारे पास रेफसिक है ना ये वाली, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास फुल 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 जिनोम होंगे, फुल जिनोम ही होते हैं, तो उसको हम प्रोटियोम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी चीज़ आपके पास रेफरेंस जिनोम की डेटाबेस में या रेफरेंस प्रोटियोम की डेटाबेस में पड़ी होगी ना, जब भी आप देखें ना ये रेफसिक डेटाबेस है, तो आपने समझ जाना है कि वहाँ पर वो फुली फुल, जैसे कंप्लीट सीक्वेंसिंग नहीं हुई होती, कंप्लीट जिनोम प्रेजेंट है। पार्शियल जैसे हमारे पास जिनोम होते हैं और फ्रेगमेंटेड जैसे जिनोम होते हैं, इस तरह के जिनोम नहीं, फुली कंप्लीट सीक्वेंस आपके पास पड़ा हुआ है जब भी रेफसिक की बात होती है, वो फिर जीनोम के हवाले से हो या प्रोटीन के हवाले से हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फिल्टर प्रेजेंट है। अगर आप जस्ट रेफरेंस प्रोटियोम को, यहाँ पर ना कुछ और प्रोटियोम्स भी तो होंगे ना, जैसे इकोलाई की तो कितनी ज्यादा स्ट्रेन्स हैं, और इकोलाई का लेकिन सिर्फ यहाँ पर ना हम लोग सर्च भी करके देखते हैं इकोलाई को ना, तो इकोलाई की पता नहीं कितनी ज्यादा स्ट्रेन्स हैं, लेकिन अब इकोलाई की स्ट्रेन्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रेफरेंस प्रोटियोम तो सिर्फ एक होगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप रेफरेंस प्रोटियोम देखें, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सब आपके पास रेफरेंस प्रोटियोम आ जाएंगे जस्ट, और अगर आप रेफरेंस के अलावा प्रोटियोम देखना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फिल्टर लग जाएगा। आई होप कि आपको ये फिल्टर यूज करने आएंगे, क्योंकि NCBI में मैंने आपको इन फिल्टर्स का फंक्शन बताया ही कैसे यूज करते हैं। और इसके अलावा आप जस्ट अगर बैक्टीरिया के प्रोटियोम लेना चाह रहे हो, सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करोगे, जस्ट यहाँ पर आपके पास बैक्टीरिया का डेटा आ जाएगा। और वायरसेस का, वायरसेस कितने पड़े हुए हैं, और अगर आप वायरसेस का जस्ट डेटा, ये प्रोटियोम लेना चाह रहे हो, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। इस तरह से आप फिल्टर ये यूज कर सकते हो, यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरसेस, आर्किया और यूकेरियोटा का डेटा पड़ा। ओके, तो आप कहाँ जा सकते हो, आप अब अच्छा इसमें फर्दर आप ना यूनिप्रोट के भी जा सकते हैं, और यूनिप्रोट पार्क में भी जा सकते हैं। पार्क का मैंने आपको कहा था सीक्वेंसेस वगैरह अवेलेबल होंगे ना, तो अगर आपको डेमो ये देगा, अगर आप हेल्प वीडियो देखेंगे, आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो जाएगा ये ना। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये इसकी मस्त देखनी है, लिखा हुआ ना प्रोटियोम्स हेल्प वीडियो अदर ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस, इस तरह से ना आपको बहुत अच्छे से ना इसको यूज करना आ जाएगा, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी आ जाएगी। अगर ना एक चीज बताती हूँ, अगर मैं सपोज आपको ना ये बैक्टीरिया है ना, ये वाला फर्स्ट वाला, अगर मैं इसका नाम दूँ और मैं कहूँ बेटा जरा जाकर ना देखो इसकी कितनी प्रोटीन है ना, इसमें कितनी प्रोटीन प्रेजेंट है इस वाले बैक्टीरिया में, आप क्या करोगे? सपोज आपको ना यूनिप्रोट डेटाबेस का नहीं पता, तो आप क्या करोगे, इंटरनेट पर गूगल करके सर्च करोगे, आप डिफरेंट टाइप के पेपर्स पढ़ोगे, कितना मतलब लाइक के एक इतनी छोटी सी चीज के लिए आपको कितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, तो अच्छा नहीं है कि हमारे पास डेटाबेस में, अगर आपको ये डेटाबेस यूज करनी आती होंगी, अगर आपको अच्छी तरह से यूज करनी आ जाए कि यहाँ पर किस किस तरह का प्रोटीन के डेटा इंफॉर्मेशन है ना आपके पास,
तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ आकर इसका नाम लिखोगे, यहाँ पे ये सर्च बार है ना, यहाँ पर आप जो भी बैक्टीरिया का मैंने कहा होगा ना कि मुझे प्रोटीन बताएं कितनी है, आप यहाँ नाम लिखोगे तो इस तरह का टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे अच्छा प्रोटीन काउंट कितने इतने, आप अगर मुझे बता दोगे कि इतनी प्रोटीन प्रेजेंट है। और दूसरी चीज यहाँ पर हम इसको ना थोड़ा फिल्टर करके देखते हैं, सपोज हम जस्ट ना इकोलाई पे काम करना चाहते हैं, जस्ट इकोलाई टाइप करें। ओके ये कह रहा है ये वर्क ही नहीं करेगा, अच्छा ये डोट नहीं है ना, तो इस तरह आप एसरिचिया क्लाई लिखे हैं या वैसे ये लिखे हैं आप लोग की मर्जी। अच्छा ये हमारे पास ना डेटा आ गया, देखिए अब ये सिर्फ इकोलाई का डेटा है क्योंकि मैंने ऊपर सर्च बार में लिखा है ना इकोलाई, ये इकोलाई का कितना डेटा प्रेजेंट है। सबसे पहले ना आपने यहाँ से डेटा देखना है कितना प्रेजेंट है, 46 एंट्रीज यहाँ पर इसकी प्रेजेंट है, और देखिए सिर्फ एक एंट्री के साथ आर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ना एक स्पीशी के लिए सिर्फ एक आर होगा ना, और यहाँ बताया हुआ है कितनी प्रोटीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर इसके प्रोटियोम आईडी इन्होंने बताया हुआ है। फर्दर हम इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं, पहले ना मैं आपको ये बताना चाह रही थी। अच्छा यहाँ पर क्योंकि कुछ रिडंडेंट डाटा वगैरह और कुछ नॉन रिडंडेंट डाटा भी होगा ना, तो अगर आप जस्ट नॉन रिडंडेंट प्रोटियोम्स लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास सिर्फ नॉन रिडंडेंट प्रोटियोम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। हम कहते हैं ना नॉन रिडंडेंट ज़्यादा अच्छी होती है ना डेटाबेस, लाइक उसमें बार बार डेटा रिपीट नहीं हो रहा होता, नॉवल या यूनिक डेटा प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, पहले हमारे पास कितनी एंट्रीज थी देखिए, पहले यहाँ हमारे पास 48 थी ना, अब कितनी रह गई हैं, सिर्फ 3 रह गई हैं, ठीक है। तो ये डेटा अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे इकोलाई का प्रोटियोम जो है, आपने ना इकोलाई सपोज किसी ना ह्यूमन वगैरह में कोई पैथोजेनिसिटी वगैरह कॉज कर रहा है ना, ह्यूमन में कोई डिजीज वगैरह कॉज कर रहा है ना, तो मैं कहूँगी कि आपने ना इसकी कोई सपोज आपने वैक्सीन मुझे डिज़ाइन करके देनी है, तो जब हम वैक्सीन डिज़ाइन करेंगे ना तो सबसे पहला काम ये होता है आपको प्रोटियोम चाहिए होता है उस बैक्टीरिया का जो कि ह्यूमन में जो भी कोई भी डिजीज़ वगैरह कॉज कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको पता होगा कि हमने क्या करना है, सबसे पहले यूनीप्रोट पे आना है और यहाँ से आके आपने क्या करना है, इसका प्रोटियोम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ओके तो नेक्स्ट जो है यहाँ से ना आप अपना डेटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड रिजल्ट, अब आपके पास पड़ा हुआ है डाउनलोड सिलेक्टेड 0, हमने क्योंकि कोई भी डाटा यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया, ये आपको नजर आ रहा है ना, आपने जो भी डाटा यहाँ से सिलेक्ट करना है ना वही डाउनलोड होगा। तो अभी हमारे पास सिलेक्ट में कितना आ गया 1, और फॉर्मेट आपने बताना है आप टैब सेपरेटेड टीएक्सटी रखना चाह रहे हैं, एक्सेल या कुछ भी इस तरह से, और इस तरह या कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड जो भी आप चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपने ना जब हम फर्स्ट टाइम किसी डेटाबेस को एक्सप्लोर कर रहे हो ना, तो बेहतर है कि इसके ना 2-3 ऑप्शन को यूज़ कर लिया जाए वैसे ही ना, ताकि फ्यूचर में आपको पता हो कि ये किस फंक्शन, ये इसका फंक्शन क्या है, या कंप्रेस का फंक्शन क्या है, अनकंप्रेस्ड डाटा होता है ना कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड डाटा, तो उसका फंक्शन क्या है। अच्छा यहाँ कॉलम्स की बात है, कॉलम्स पे थोड़ी बात करते हैं। ये देखें इन्होंने कहा है लेट्स आई वांट टू शो यू समथिंग रिलेटेड टू, अच्छा यहाँ पर यह है कि आप ना कॉलम्स कुछ दिए हुए हैं, अगर आप इन कॉलम्स की तरफ देखें ना, कुछ कॉलम सिलेक्टेड हैं और कुछ हैं वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ उनको, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे किया जो उन्हें इंपॉर्टेंट लगे ना, उन्होंने उन कॉलम्स की लाइक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ था ना अभी जो आपके पास टेबल था, और आईडी भी दिया हुआ था, और सीपीटी उसको ये सारा कुछ बताई थी इन्फॉर्मेशन। अच्छा उन्हें असेंबली की इन्फॉर्मेशन ना ज़रूरी नहीं लगी, उन्होंने यहाँ पर वो नहीं दी हुई, उन्होंने कहा अगर आपको चाहिए तो आप इस टेबल को चेक करें तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, अगर उन्हें लगा कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको कहती हूँ आप इसकी जीनोम असेंबली की आईडी लाकर मुझे दें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इनको लगा कि टैक्सोनॉमिक प्रोटियोम की कॉम्पोनेंट्स बताने ज़रूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको चेक नहीं किया ना, तो मैं लेकिन मुझे लगा कि ज़रूरी है तो मैंने इसको यहाँ चेक कर दिया। यहाँ से आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना आप उसको चेक करते जाएंगे, और आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू प्रेस सेव। ओके अच्छा अब मैं आपको ना इसको शो करती हूँ, मैं इसको ना जूम इन बार बार आउट और इन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। अच्छा ये मैं इन कॉलम्स की बात कर रही थी, ऊपर जो कॉलम लिखा हुआ था ना ये इन कॉलम की बात थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे बाय डिफॉल्ट आईडी ऑर्गेनिज्म आईडी प्रोटीन काउंट आ रहे थे ना, तो लेकिन मैंने वहाँ से क्या सेलेक्ट किया है कि हमें क्या चाहिए, ओके
let me refresh it. Okay. Now, what I need to do, मैं यहाँ से कॉलम देखती हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन भी मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे जैसे प्रोटीन के कंपोनेंट्स चाहिए, और प्रोटीन के कंपोनेंट्स चाहिए तो मैंने क्या करूँगी, यहाँ पे सेव, या एक्चुअली आई एम जस्ट थिंकिंग के ये आ नहीं रहा. ओके स्टूडेंट्स, लेट मी सी कि यहाँ पर ये अपीयर क्यों नहीं हो रहा है इस बॉक्स में. Let me try to connect to a new tab. Give me that. This one. And we said we want to go for proteoms. And just drag it here. Okay, so what we need to do, we just select this one, columns, we want such kind of data, and we just need to press save. Yes, it's working. ये देखिए, आपके पास लीनेज आना शुरू हो गया, जिनोम असेंबली आना शुरू हो गई, ठीक है ना. तो पहले हमारे पास ये पेज पे इन्फॉर्मेशन ही ना प्रोवाइडेड थी, क्योंकि उन्हें जरूरी नहीं लगा, बाय डिफॉल्ट उन्होंने ये नहीं रखी. लेकिन सपोज आपके मेंटर जो है वो आपको कहते हैं कि आपको आईडी वगैरह भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली वहाँ जाकर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, इन्होंने चेक नहीं किया होगा, आपने चेक करके यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सेव करना है, ठीक है. तो आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी. लेट्स राइट इट. ओके, तो उसके बाद अपना डेटा जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. अच्छा, लेट मी सी कोई और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो. चलें अब ना हम इसकी तरफ चलते हैं, आईडीज की तरफ. और यहाँ हम सपोज हम इक्वलाई पे ही चाहते हैं. ओके, तो इक्वलाई पे हमारे पास कितने स्पीशीज पड़ी हुई हैं, 46 पड़ी हुई थी. सपोज मैं चाह रही हूँ मुझे जस्ट नॉन रिडंडेंट प्रोटियोम चाहिए, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे टोटल, जस्ट 3 आ जाएंगे. अच्छा, और सपोज मैं ना रेफसिक जो है ना इसका डाटा, कौन सा रेफरेंस डाटा, एक लाइक कौन सा रेफरेंस डाटा, ये मेरा प्रेजेंट है ना, मैं इसकी आईडी पे क्लिक करके देखना चाह रही हूँ किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि इसका स्टेटस क्या है, कि ये एक रेफरेंस प्रोटियोम है, इसमें कितनी प्रोटीन प्रेजेंट है, 4391. ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये जीन काउंट प्रोटीन वगैरह. अच्छा, ये जीन काउंट प्रोटीन इसलिए सेम है कि ये जो जीन है ना इतनी, ये सारी जाकर आगे प्रोटीन कोड कर रही है, ठीक है. और आईडी क्या है इसका, ये वाला. जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तब ये आईडी इतने काम के होते हैं ना, क्योंकि इनकी बेस पे आपने फर्दर एनालिसिस वगैरह करने होते हैं. और आपकी टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी वगैरह का, आई थिंक आपको पता है जो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन होती है ना, ये बैक्टीरिया है, ये इस फैमिली से है, और इस ऑर्डर स्पीशीज उसकी, ये सारा कुछ, ठीक है. तो आप इसको फर्दर क्लिक करते जाएंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन आती जाएगी. लेकिन यहाँ ये है कि आप, ये आप लोगों के करने वाला काम है ना, यहाँ इतनी डिटेल में बात करना इतना ज़रूरी नहीं है. ये आपने हर ऑप्शन पर क्लिक करके देखना है कि फर्दर आपको किस पेज पर लीड करता है. ओके, स्ट्रेन ये है, लास्ट ये कब मॉडिफाई हुआ डेटा, देखिए ये कितना अपडेट करते हैं अपने डेटाबेस को ना. लास्ट मॉडिफाई कब हुआ, 25 को. बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने 25 को अपना दोबारा डेटा जो है ना इस डेटाबेस में अपडेट किया होगा. और अगर आप इसकी जीनोम असेंबली काम करना चाहते हैं, अच्छा अगर अब ये है कि ये तो डेटाबेस जो है ये प्रोटियोम के लिए है ना, तो अगर आपको इक्वलाई का, सपोज आप यहाँ प्रोटियोम करते करते आपको ना किसी जीनोम पे भी काम करना पड़ता है, इसी इक्वलाई का ना आपको जीनोम भी सपोज करना चाहिए ना, तो इसके लिए आप ये एक पे है कि आपने एनसीबीआई जाकर खोलें और वहाँ से डाटा लें. दूसरा पे ये है कि ये देखें ये नंबर है, आप यहाँ क्लिक करें, इसके पीछे क्या है, सारे सारे जीनोम इन्फॉर्मेशन आपकी दी हुई है, जो जीनोम का सीक्वेंस ना ATGC फॉर्म में वो आपको दिया होगा. ये आप लोगों ने ना ऑप्शन वगैरह यूज करके देखने हैं क्या है. अच्छा, पैन प्रोटियोम दिया हुआ है, दिस प्रोटियोम इज अ पार्ट ऑफ, पैन प्रोटियोम ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है. पैन प्रोटियोम क्या होता है, इज द फुल सेट ऑफ प्रोटीन्स थॉट टू बी एक्सप्रेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ हाईली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्ट्रेन ऑफ सेम बैक्टीरियल स्पीशीज.
अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि इकोलाई की हमारे पास सपोज कर लेते हैं, हम इस टाइम लगा लेते हैं कि 100 हमारे पास स्ट्रेन प्रेजेंट है, ठीक है? तो उन 100 स्ट्रेन में से हम वो प्रोटीन देंगे जो उस प्रोटीन का सेट यहाँ पर हम, या वो प्रोटीन का सेट को हम पैन प्रोटियोम कहेंगे कि जो सब में एक्सप्रेस हो रहा होगा, ठीक है ना? जो लाइक स्ट्रेन है ना, 100 स्ट्रेन है, और जो जो प्रोटीन जो होंगी, जैसे प्रोटीन नंबर 1 है, अगर वो 100 के 100 स्ट्रेन में जो प्रेजेंट है, उसके बाद प्रोटीन नंबर 2 है जो 100 में प्रेजेंट है, इस तरह से करके जो प्रोटीन का सेट आता है ना, उसको कहते हैं हम पैन प्रोटियोम। तो या आप मोर पे जाएंगे तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये बुक को इन्फॉर्मेशन है वही। एंड दिस इज, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड वाली मोस्टली हम यूज करते हैं, जितने भी रेफरेंस होंगे ना, रेफरेंस प्रोटियोम वो हमेशा स्टैंडर्ड ही होते हैं। और ये देखें कितनी अच्छी बात है कि अगर आपने ये पैन प्रोटियोम है ना, आपने इसका फास्ट सीक्वेंस लेना है ना, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा ना। लाइक सीक्वेंस की हम बात करते हैं ना कि फास्ट टाइम हमें सीक्वेंस भी चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पास सीक्वेंस भी आ जाएगा। उसके बाद देखें ये ना, इस तरह ये डाटाबेसिस, एक तो स्टूडेंट ये डाटाबेसिस ना हम इसलिए देखते हैं कि हमें क्या करना होता है, अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, इस डाटा डेटाबेस को हम इसलिए एक्सप्लोर करते हैं ना। दूसरी बात यह कि जब आप ना इस डेटाबेस को देखें, किसी भी अच्छी ऐसी डेटाबेस को एक्सप्लोर करें ना, तो ना आपने देखना है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा अपने यूजर्स के लिए ना अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। अच्छी इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर सकते हैं ना, उन्होंने भी की है। इसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में जो लोग डेटाबेस डिजाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे ना, उनके माइंड में ये सारी चीजें रन हो रही होंगी कि हमने भी अपने यूजर को इस तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब देखिए, आपको अपनी, आपको इकोलाई के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपने इसके बारे में कुछ भी पढ़ना है, ये साथ ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है ना उसकी, कि ये जो हमारे पास इकोलाई है ये क्या है, कौन सा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, फैकल्टेटिव है। देखो कितनी इन्फॉर्मेशन आपको साथ में प्रोवाइड कर रहा है ना। तो आपने फुल देखना है कि सिर्फ, अगर ये प्रोटियोम की डाटाबेस है तो सिर्फ इन्होंने प्रोटियोम का जिक्र नहीं कर दिया, इन्होंने साथ में क्या किया हुआ है, उसकी टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन तक बताई हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने उसकी जीनोम की इन्फॉर्मेशन भी उसी पेज पर दी हुई है, ठीक है ना? कि आपने अगर जीनोम की इन्फॉर्मेशन लेनी है, जस्ट क्लिक हेयर, और अगर आपको फास्टा में पैन प्रोटियोम चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? कितनी जबरदस्त चीज है, देखें। और ये देखें आगे आपको इसके, देखें अगर इसका इसी पैन, ये जो इकोलाई है ना, अगर आपको इसका जिनोम चाहिए, जिनोम, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे इधर, और कितनी प्रोटीन प्रेजेंट है, ये उन्होंने टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन्स बताई है। सो दिस इज रियली अमेजिंग वेबसाइट। और आगे उन्होंने पब्लिकेशन भी बताया हुआ है, ये देखिए, ये होती है डाटाबेस कि उन्होंने पब्लिकेशन बताया हुआ है कि ये अपनी डाटाबेस की पब्लिकेशन नहीं बताई हुई कि किस पेपर में हमने डाटाबेस को पब्लिश किया है, इन्होंने बताया ये इकोलाई की, इकोलाई जो है ना, ये स्ट्रेन किस पेपर में पब्लिश हुई है, तो उस पेपर का रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है। वरना ना ये वाली चीजें होती है ना, वो जाकर ना गूगल पे मैनली बंदा करता करता थंग आ जाता है ना। तो डेटाबेसिस का ये तो फायदा है कि हमें इतनी जो इन्फॉर्मेशन है एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, और यहाँ से आप अपना मैप कर सकते हैं वही रिव्यूड और अनरिव्यूड डेटाबेस में। ओके, लेट्स मूव बैक। अच्छा, अब ये जितने भी ब्लू ब्लू कलर के इन्फॉर्मेशन है ना, जो हम देख सकते हैं, जहाँ फर्दर पेज पे जा सकते हैं, आपने सबको क्लिक करके अच्छे से देखना। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आईडी है, जैसे देखिए ऑर्गेनिज्म आईडी के पीछे कितनी इन्फॉर्मेशन रन हो रही है, उनका ये इकोलाई है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसका टैक्सोन आइडेंटिफायर क्या है, और साइंटिफिक नेम ये है, और यहाँ से आप इसके नेविगेशन के लिए चूज कर सकते हैं, इकोलाई ये स्ट्रेन, ये स्ट्रेन, ये सारी उसकी स्ट्रेन है, ठीक है ना? और इसके अलावा ये मैं कह रही थी आपको, ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन देता है ना। सपोज आपको ऐसे है कि ये देखना चाह रहे हैं कि किस क्लास या किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, देखिए पूरा शजरा ना नहीं होता, वो उसने इसका बताया हुआ, और सी आल्सो एन सी बी। तो ये चीज़ होती है कि आप प्रोटियोम की डेटाबेस है, और वो हर चीज के बारे में साथ साथ इंफॉर्मेशन देती जा रही है। लेट्स सी द प्रोटीन काउंट। ये देखिए, अब आपके पास कितनी प्रोटीन थी, 4391 थी ना, अब ये सारी प्रोटीन का डाटा आ गया आपके पास,
ये पहली प्रोटीन है, टोटल कितनी प्रोटीन है, प्रोटियोम होता है सेट ऑफ प्रोटीन, तो कितना सेट ऑफ प्रोटीन कितनी का है, 4391 प्रोटीन का सेट है इकोलाई का प्रोटियोम। अब ये पहली प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है, ये दूसरी प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है, और आगे इस तरह से 4000 कुछ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए किस कदर अच्छी डेटाबेस है कि सिर्फ ये पूरे प्रोटियोम का नहीं बल्कि एक एक पूरे प्रोटियोम में जितनी प्रोटीन है ना, हर प्रोटीन का अलग अलग से कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है। और अभी तो आपने रिसर्च ना की हुई, तो इन चीज़ों को ना मैनुअली अगर गूगल पे सर्च करते बिलीव मी बड़ी हेक्टिक हो जाती है ये। ओके, अगर आपने ये सारी हमने सेलेक्ट करनी है, मैंने आपको कहा है कि मुझे ई कोलाई का ये रेफरेंस प्रोटियोम है ना, स्ट्रेन K12 उसका रेफरेंस प्रोटियोम उन्होंने उसको कहा हुआ है, मैं कहती हूँ उसका मुझे प्रोटियोम डाउनलोड करके ला कर दो। ठीक है, तो आपने इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हो, सबको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो उसके रिजल्ट को। यहाँ है आप सिर्फ 25 को करना चाह रहे हैं क्योंकि एक पेज पर 25 शो हो रही है ना, तो अगर आप चाहते हैं नहीं हम जितनी भी 4000 हैं उन सबको करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो कैनोनिकल है ना, कैनोनिकल हमारे पास होता है कि हमारे पास सपोज एक ही प्रोटीन की दो, जैसे मैंने आपको कहा था बताया था आप NCBI में जाते हैं किसी प्रोटीन का, आपको एक्सपीरियंस रहा होगा ना, आपने NCBI भी ब्लास्ट वगैरह सारे काम किए हैं, आपने ना किसी एक प्रोटीन का नाम लिखा, जैसे हीमोग्लोबिन का ही नाम लिखा, वहाँ पर कितनी बेशुमार जेन बैंक में एंट्रीज पड़ी हुई है ना उसके, तो उसमें क्या होता है कि आप कहते हो कि ये तो एक प्रोटीन है और कितनी ज़्यादा यहाँ पर एंट्रीज पड़ी हुई हैं, और हैं भी सारी ये सपोज हीमोग्लोबिन ही हैं, और उसके अलावा ना जब आप उसमें सर्च करोगे तो आप वहाँ देखोगे किसी ने कहा होगा इसकी प्रोटीन 100 अमीनो एसिड की है, किसी ने कहा होगा 200 की है, किसी ने कहा होगा 3 की है, तो किसी ने कहा होगा 301 की है, किसी ने कहा होगा 302 की है, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने किए और डिफरेंट पता लग गए, तो उसमें से जो बेस्ट वन सीक्वेंस होगी ना उसको हम बोलते हैं कैनोनिकल। अब बेस्ट वन होने के लिए ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि उनमें से कैनोनिकल हम कहते हैं जो सबसे सूट कर रही होती है, जो सबसे बेस्ट सीक्वेंस होती है ना इतने सीक्वेंस में से, उसको हम कैनोनिकल कह देते हैं। तो कैनोनिकल होता है कि लाइक आप एक तो ना लेंथ वगैरह का आप लिहाज रखते हो ना, कि आपने लिटरेचर में से ना पढ़ा हुआ है, सपोज करते हैं कि हमने लिटरेचर में से पढ़ा हुआ है कि हीमोग्लोबिन की ना प्रोटीन की ना लेंथ कितनी होनी चाहिए, 400 अमीनो एसिड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास प्रोटीन की डेटाबेस में NCBI में प्रोटीन की डेटाबेस है ना, वहाँ पर आपके पास इतनी सीक्वेंस पड़े हुए हैं हीमोग्लोबिन के, किसी की लेंथ है 100, किसी की 200, किसी की 300, किसी की 400, तो अब हमने लिटरेचर में से पढ़ा होगा तकरीबन 400 इसकी लेंथ होती है, तो हम 400 वाली को प्रेफरेंस देंगे ना, वैसे भी जो सबसे बड़ी वाली लेंथ होती है ना हम मोस्टली उसको प्रेफरेंस देते हैं ना कैनोनिकल सीक्वेंसेस में, तो जिनको कैनोनिकल का नहीं पता ये उनके लिए। ओके, आपके पास देखें कितने ज़्यादा आइसोफॉर्म होते हैं ना, जीन्स वगैरह के आइसोफॉर्म्स होते हैं, अगर आप कैनोनिकल और आइसोफॉर्म चाहिए तो इसको जस्ट कैनोनिकल चाहिए, द बेस्ट वन जिसको हम कहते हैं सीक्वेंसेस में से द बेस्ट वन चूज करना वो कैनोनिकल सीक्वेंस, और एक्सेल की फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट चूज करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने ये डाउनलोड जरूर करके देखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम बात करते हैं, आपके पास पहली प्रोटीन दी हुई है, उसको एंट्री उसका नेम यह है, आईडी ये है, और प्रोटीन का नाम क्या है, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसपीरेज, और उसके बाद बताया है इस प्रोटीन को कौन सी जीन कोड कर रही है, इस प्रोटीन को कौन सी जीन कोड कर रही है ये बताया हुआ है, किस ऑर्गेनिज्म पे है इस पे, और इसकी लेंथ कितनी है प्रोटीन की, देखें 396। अच्छा आगे है ये सारी जीन ऑन्टोलॉजी। अच्छा स्टूडेंट, जीन ऑन्टोलॉजी में होता है कि हम जब भी जीन ऑन्टोलॉजी की बात करेंगे ना, पहली बात तो सिंपल ये है, आपने समझना है कि यहाँ पर जीन प्रोडक्ट ऑन्टोलॉजी की बात हो रही है, सिर्फ जीन ऑन्टोलॉजी की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब जीन प्रोडक्ट क्या होती है, जीन की प्रोडक्ट क्या बनती है, अगर जाके प्रोटीन बनती है ना, मोस्टली प्रोटीन होती है, लेकिन समटाइम्स क्या होते हैं हमारे पास RNA वगैरह भी बन जाते हैं, जैसे राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, इस तरह की चीज़ें बनती है ना, तो इस तरह भी हो सकता है, जैसे राइबोसोमल RNA वगैरह 16S ये जो हैं, तो इस तरह भी हो सकता है कोई RNA बन जाए, तो आपने जब भी जीन ऑन्टोलॉजी की बात करनी है एक समझना है कि जीन प्रोडक्ट ऑन्टोलॉजी की बात हो रही है, और दूसरा ये है कि जो जीन्स वगैरह के फंक्शन जो है ना वो हम एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड वोकैबुलरी की फॉर्म में ना हमें जीन ऑन्टोलॉजी की सर्विसेज बताती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे जीओ मीन जीन ऑन्टोलॉजी, तो ये आपको ना जीन ऑन्टोलॉजी की लेदर से डेटाबेसेस बनी हुई है, और लेदर से ये टॉपिक है, और बड़ी ये इंटरेस्टिंग सी वैसे फील्ड है ना,
तो इसमें अगर आप इस पर क्लिक करेंगे गो आईडी पे, तो ये आपको जीन ऑन्टोलॉजी के डेटाबेस पे ले जाएगा, ठीक है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, जीन ऑन्टोलॉजी में ये होता है कि हमारे पास ना जीन ऑन्टोलॉजी जो होती है वो तीन लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन देती है। पहला लेवल मोलेकुलर फंक्शन के लेवल पे देती है, दूसरा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लेवल पे देती है, और तीसरा सेलुलर कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज मोलेकुलर फंक्शन, सेलुलर कंपोनेंट एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब मोलेकुलर फंक्शन में होता है हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोटीन है, मोलेकुलर फंक्शन वो बता रही है कि किस तरह के फंक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। जीन ऑन्टोलॉजी का जो मोलेकुलर फंक्शन वाला पार्ट है वो क्या बता रहा है कि किस तरह के फंक्शन में हमारी जीन इन्वॉल्व है, लेकिन ये अभी से बताया हुआ है कि आप लोग की ये अभी प्रोटीन जो है ना ये किस फंक्शन में इन्वॉल्व है। अच्छा, अब आ गई नेक्स्ट सेलुलर कंपोनेंट। जो जीन ऑन्टोलॉजी का ये वाला पार्ट होता है ना, ये आपको बताता है कि जो आपकी प्रोटीन है, जब भी जीन ऑन्टोलॉजी की बात करेंगे हम प्रोडक्ट की सोचेंगे ना, मैंने आपको बताया, तो हम कहेंगे ये वाली जो इसकी प्रोडक्ट है ये सेल के किस हिस्से में प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, किस चीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये वाली जीन सेल में कहाँ प्रेजेंट है, किस हिस्से में प्रेजेंट है, ये आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा। द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो आपको बताएगा ये जो आपकी प्रोटीन है ये किस तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है। बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ना डिफरेंट, तो ये आपको बताएगा किस तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो तीन बेसिस पे ना ये आपको जीन ऑन्टोलॉजी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, आगे आपके पास क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है इसका, अगर आप क्रॉस रेफरेंस चेक करना चाह रहे हो तो इस डेटाबेस में आपको प्रोवाइड है इसका क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे, इस तरह से यूनिपाथ पे भी ना आपके पास एक डेटाबेस है, और वहाँ पे भी आपके पास किसी किसी की एंट्री होगी, किसी की एंट्री देखे नहीं है। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन का मैंने आपको बताना है, ये देखें दिस वन पाथवे। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ना कि आप लोगों ने सपोज करें इकोलाई एक पैथोजेनिक फॉर दी ह्यूमन बॉडी, ये हमारी बॉडी में कोई डिजीज हम कहें कॉज करता है सपोज करें, तो क्या होगा उससे कि हम इसके अंगेज क्या करना चाह रहे हैं, कोई वैक्सीन बनाना चाह रहे होंगे, तो जब हम ये वैक्सीन में बनाते हैं ना तो उस टाइम भी ना हमें, या हम कोई ड्रग वगैरह जैसे डिजाइन करना चाह रहे हैं ना, स्पेशली जब आप ड्रग डिजाइन कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे ना आपको ये पाथवे पता होने चाहिए कि आप जो प्रोटीन जिनको हम ड्रग के लिए यूज करना चाह रहे हैं, इकोलाई की वो प्रोटीन जो हम ड्रग के लिए यूज करना चाह रहे हैं वो किन किन पाथवे में इन्वॉल्व हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी यहाँ से मिल सकती है। तो आपका टास्क हो कि मैंने आपसे कहा हो इकोलाई की क्या बनानी है, ड्रग बनानी है, किसी बनानी है क्योंकि ये ह्यूमन में जाके कुछ ना कुछ डिजीज कॉज कर रही है। अच्छा, तो मैं कहूँगी कि आपने उसकी जितनी भी प्रोटीन है ना उसकी ना लेकर आना है कि वो किस किस पाथवे में इन्वॉल्व है। तो आप क्या करेंगे ऐसे, तो आप अगर गूगल पे जाके इसकी 4,000 कितनी प्रोटीन ये बता रहे हैं हमें, ये देखें 4,000 कुछ प्रोटीन बता रहा है, तो अगर आप जाकर 4,000 कुछ प्रोटीन का पाथवे एक एक करके ढूंढना शुरू करोगे तो आपको क्या कितना टाइम लगेगा। इस तरह आप सिर्फ एक क्लिक से यहाँ डाउनलोड करोगे तो सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, और आप देख सकते हो वो कि किन किन पाथवे में इन्वॉल्व है। देखें ये बता रहा है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है, और ये किसमें है, मेलोनाइल को ए बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये बता रहे किन किन पाथवे में, ये बहुत यूजफुल आ गया है रिसर्च वगैरह में। ओके, तो अगर आप इनको लाइन वगैरह करवाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से इनकी सर्विस वगैरह जो है इसे यूज कर सकते हो, और कॉलम्स वगैरह हमने पीछे एक्सप्लोर किया ना, कॉलम्स में क्या होता है, सारा डेटा वगैरह पड़ा होता है। और अगर आप ये लिंक अपना किसके साथ शेयर करना चाह रहे हो ये अपने रिजल्ट, तो शेयर में कौन कौन सी वैसे सर्विसेज आती हैं। एक्चुअली आई डिडंट यूज दिस ऑप्शन बट आई वॉन्ट टू सी। अच्छा, ये ना आप पूरे का पूरा, जैसे हम यूआरएल नहीं होती, आपने बताना है किसी को कि ये वीडियो देखो यूट्यूब पे जाके, तो आप उसको, जैसे मैं आपको कहती हूँ बेटा ये आप लोगों ने अपलोड की है मैंने वीडियो, तो आप उसकी मैं यूआरएल सेंड कर देती हूँ ना ये लिंक, तो इस तरह से आप किसी को कहना चाह रहे हो कि ये इकोलाई का रिजल्ट है यहाँ पर तो इसको जाकर जरा देखो ना, तो आप उसको ये लिंक भी पूरे का पूरा कॉपी करके ना ये सेंड कर सकते हो। अच्छा, ये देखिए आप ब्लास्ट भी यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है ना। और ना एक चीज का ध्यान रखना है आपने, आपको अगर ब्लास्ट करवाना है ना यहीं से, तो आपने एट अ टाइम एक प्रोटीन सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना।
एक प्रोटीन का ब्लास्ट किसके साथ करवाना है, इसके पीछे जितनी भी प्रोटीन जो है वो रन हो रही है उसके अंगेंस्ट करवाना है, ठीक है? ओके, सो लेट मी सी एनीथिंग एल्स वी हैव। ओके स्टूडेंट्स, ये बताया हुआ है वही जो मैं क्लस्टर की बात कर रही थी ना, योर रिजल्ट इन सीक्वेंस क्लस्टर विद आइडेंटिटी ऑफ 100% भी बताया हुआ है, 90 में भी, और यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि हमें सिर्फ 100% वाले चाहिए ना। अच्छा, ये टैक्सोनॉमी कीवर्ड्स, जीन ऑन्टोलॉजी के भी हमने डिस्कस किया है, कौन सी एंजाइम क्लासेस हैं, ये देखें एंजाइम की कौन कौन सी क्लासेस में ये इन्वॉल्व है ना, इसकी प्रोटीन, तो ये भी उन्होंने बताया हुआ है किन किन पाथवे में इन्वॉल्व है। अगर आप जिस पाथवे का नाम देखना चाह रहे हो ना, ये सारे पाथवे हैं, ये जो भी हम ईकोलाई की बात कर रहे हैं ना, इसकी प्रोटीन्स की, ये इन पाथवे में है। और अगर आप अलहदा अलहदा एक एक प्रोटीन का देखना चाह रहे हो ना, कि ये वाली प्रोटीन किस में इन्वॉल्व है, सारे आप अगर अगर हर अलग अलग प्रोटीन का देखना चाह रहे हो ना, कौन कौन सा पाथवे है, जैसे इस प्रोटीन का ये है, इस प्रोटीन का कोई पाथवे नहीं उन्होंने अभी तक डिस्कवर किया होगा, ठीक है? तो इस प्रोटीन का जो है ये पाथवे है, तो आप अलग अलग भी देख सकते हैं। और अगर आप वैसे ही ओवरऑल देखना चाहें कि इसमें कितने पाथवे हैं, इकोलाई की प्रोटीन किन किन पाथवे में इन्वॉल्व है टोटली, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं कौन सी एंजाइम क्लासेस हैं। तो अभी भी बहुत सी ना लग रहा है मुझे चीज़ें जो आपको ना खुद भी आप इसको करेंगे ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें और भी समझ आएंगी। अच्छा, ये सारा कुछ था हमारे पास, ये सारा कुछ था हमारे पास प्रोटियोम डेटा, इसके कंपोनेंट में, ठीक है? यूनिप्रोट का जो कंपोनेंट है प्रोटियोम, ये सारा कुछ इसमें था। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ना, आप लोगों के लिए ये थोड़ा यूजफुल रहा होगा। उसके बाद ना हम लोग नेक्स्ट जो है एक एक करते हुए इसके बाकी कॉम्पोनेंट्स जो है ना, ये यूनिपार्क और यूनिरेप को भी यूज करेंगे, ठीक है?